क्या नाम क्या है तेरा? खेतरपाल है। कितने समय से तूने इसको और इसकी बेटी को पकड़ा? हाँ, 3 साल से पकड़ा है। चल फिर, अकेला है कि और भी है कोई? सात जाने हो? चलो जितने भी जाने हो, सात जाने हो? हाँ, चलो फिर, चलो एक साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, इसकी बच्ची के जीवन से और इसके जीवन से शैतान, तेरे प्रभाव को इसके और इसके बच्ची के जीवन से मैं तोड़ता हूं। सारे एक साथ सातों को मैं उखाड़ता हूं। चलो खड़ो, शट इन द नेम ऑफ जीसस, द पावर ऑफ माइटी नेम यीशु, शट 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 शट। अगर हालेलुया, इस सिस्टर का नाम गुरप्रीत है और जे चुबाल रोड पुस्से गांव के रहने वाले हैं। और इस सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि जो इनकी बेटी है इसकी गवाही है, जे बता रहे कि 3 साल की थी जब इनकी बेटी, तो जे बता रहे कि रात के 3 बजे इसे खांसी की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा शुरू हो जाती थी। और जब बता रही कि इस समय इसको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी, प्लस 3 साल हो गए थे कि जब भी जो भी खाना खाती तो इसको पचता नहीं था। जब बता रही खाना खाने के बाद तुरंत इसको टॉयलेट जाना पड़ता था, जिसके कारण जो बहुत परेशान हो चुके थे। और जब बता रही कि लगातार जो मेडिसिन दे रहे थे पर मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, फिर डॉक्टर ने बताया कि आप टेस्ट कराए। और जब बता रही कि जैसे इन्होंने इसकी रिपोर्ट्स कराई, टेस्ट कराए, वो सब नॉर्मल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। पर जो इसकी खांसी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि जो बता रही कि जिस डॉक्टर से जो मेडिसिन ले रहे थे और वो कहता था कि वो भी परेशान था कि जितनी भी रिपोर्ट कराई उसमें कुछ नहीं आ रहा, पर जितनी इसकी खांसी की प्रॉब्लम है इसके कारण तो इसको टीबी भी हो सकती है। और जब बता रहे कि इतनी ज़्यादा मेडिसिन रोज़ इसे मेडिसिन देते थे, और जब बता रहे कि कोई भी मतलब महीने का 4 दिन भी इसके सही नहीं रहते थे कि बिना मेडिसिन रह जाए, रोज इसको मेडिसिन देनी पड़ती थी। प्लस जे बता रही कि रात के समय इसके घुटनों में बहुत दर्द होती थी, और जे बता रही कि रात के समय जब दर्द होती तो अपने आप जे उठकर रोना शुरू कर देती थी, और जे बहुत परेशान थे। और जे बता रही कि जिसके कारण जैसे कि इस संगति में जिस सिस्टर जो तो कभी कभी मीटिंग अटेंड करते थे, पर जो इनकी मदर इन लॉ वो लगातार संडे की मीटिंग अटेंड करते थे, वो इसका इसके लिए लगातार विश्वास करते थे। और जब बता रहे कि जब भी रात के टाइम इसे प्रॉब्लम आती थी तो जो बेटी बोलती थी कि मैं मुझे अपनी दादी के पास जाना है, क्योंकि जब भी वो प्रार्थना करते तो उस समय थोड़ा इसे सुकून मिल जाता था जो कि इसके घुटनों में दर्द होती थी। और जब बता रहे कि जिसके कारण जे काफ़ी परेशान थे, और इसी कारण जो जे बहन है जे बता रही कि जे भी बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि जे लगातार ही मेडिसिन दे रहे थे। और जे बता रहे कि कभी कभी तो इतने ज़्यादा 3 साल से लेकर अभी जो 6 साल की होगी इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके थे कि कभी कभी जे बता रहे हमारे घर में हमें जब पैसों की भी प्रॉब्लम आ जाती थी कि इसकी मेडिसिन लेकर आनी पड़ती थी, और जे बहुत ही परेशान हो चुके थे। और जे बता रहे कि पिछले 4 महीने से जे खुद भी सिस्टर बहुत परेशान थी, क्योंकि जो इनकी मदर थी उनकी डेथ हो गई थी। तो जे बता रहे कि रात के समय इनको बहुत ज़्यादा डर लगता था। और जे बता रहे सिस्टर कि रात के समय जब सपने में इनको ऐसे सपने आते थे कि कोई इनको लेकर जा रहा जहाँ इनकी डेथ हो गई है, तो जे भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। जे बता रही कि पहले तो इसकी मेडिसिन लेनी पड़ रही थी, बाद में जे सिस्टर भी बीमार हो गए, इनको बहुत ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम थी। और जब बता रहे कि इनके शुगर जब बढ़ जाती थी 335-400, कभी कभी तो जब बता रहे 700 तक इनकी शुगर हो जाती थी। और शुगर के कारण जो इनकी लेफ्ट साइड की जो आँख है जब बता रहे कि उसके कारण जब बता रही इनको दिखाई नहीं देता था शुगर बढ़ने के कारण। और जे भी खुद परेशान हो चुके थे, जब बता रहे कि पहले तो इनको अपनी बेटी के कारण जो परेशान हो चुके थे, पर 4 महीने से जो अपनी प्रॉब्लम के कारण भी परेशान थे। पर जैसे जो इनकी मदर इन लॉ वो इन्हें सब लगातार ही कहते थे कि आप मेरे साथ संगति में आओ, जो प्रार्थना हम करते हैं वह आप भी लगातार मेरे साथ प्रार्थना में बैठो, पर इस सिस्टर का प्रार्थना सुनो। इनकी मदर इन लॉ मतलब इनकी सास माँ है ना, सासू माँ जो है, ये माइक दो इन्हें। आप विश्वास तो करते हो ना? हाँ
हाँ, कितने साल से विश्वास करती हो? कितने साल से विश्वास करते हो? हाँ जी। कितने कितने टाइम तो तुसी विश्वास करते हो? नहीं तो तेरे नहीं होने लगे चाहिए रो मिशन चाहिए। हाँ ये बोलो ना, मतलब एक ऐसे मिशन में थे जहाँ पे ये जाते थे, क्या क्या बताओ कौन सा मिशन है वो? रोम मिशन। हाँ रोमन कैथलिक मिशन, जिसमें उस मिशन में ना उस मिशन का ज्ञान है कि कोई चंगियाई चुंगियाई के वो विरोध में, कहते यीशु मसीह की मर्जी उसने चंगा करना करे ना करे, बस विश्वास करो, सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए प्रार्थना ही करो और उसके लिए जियो कि स्वर्ग है बस। कोई उस मिशन में वो दुनिया का सबसे बड़ा मिशन है दुनिया, और उसमें सबसे बहुत दुनिया है, दुनिया का सबसे बड़ा मिशन है वो मसीह में, और उसमें ये शिक्षाएं कोई चंगियाई नहीं, क्योंकि पहले भी हमें ऐसे लोग मिले, उसमें कोई ये काम होगा वो काम हो जाएगा ये बीमारी चलेगी, वो इस चीज का ज्ञान देते नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान देते हैं विश्वास करो प्रार्थना करो स्वर्ग जाने की तैयारी बस, और कुछ नहीं, कोई ये काम नहीं, तुम्हारा कान ठीक हो जाएगा तुम्हारी आंख ठीक हो, ये ज्ञान है ही नहीं। अब शैतान ने फिर इन्हें पकड़ लिया ना, क्योंकि हम जानते यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे पिता ने कहता मेरा अभिषेक इसलिए किया है कि मैं दबे हुए कुचले हुए लोगों को क्या करूं, छुड़ाऊं, वो छुड़ाने के लिए आया ना, चंगा करने के लिए आया, आजाद करने के लिए आया, पर अभी बहुत तरह की डोमिनेशन, बहुत तरह का ज्ञान हो गया है, बहुत सारी मिशनरी ऐसी खड़े हो चुकी हैं, तो अलग अलग शिक्षाएं ऐसे ऐसे हैं, कोई कहाँ पे कहता है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो हम तो राइट चीज आपको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, राइट चीज दे रहे हैं। कितने साल रहे उसमें? बचपन से। अच्छा बचपन से थे, तो जो इनकी सासू माँ थी ना वो यहाँ पे आ रही थी, वो तो काफी साल से जुड़े हमारे साथ, तो वो जानते हैं यहाँ की जो टीचिंग है जो हम सिखाते हैं विश्वास करना कैसे करना सब कुछ है ना, उन्हें पता था, पर वो ऐसे चाहत कर रही थी और बोलते भी थे पर आ नहीं रहे थे, पर वो लगातार जब कोई घर में अपना है हाँ तो तकलीफ तो होती है ना, ये तीन अभी 6 साल की है ये, हाँ माइक की आवाज क्यों कम है के थोड़ा उच्च, हाँ माइक आप पास रखो थोड़ा, 6 साल है, तो ये जो जितनी चीजें ये बच्ची बता रही है इसे 3 साल पहले ये सारी होगी, क्या क्या हुआ था आप बताओ? इसे खाना नहीं पचता और क्या नहीं होता, माइक पास रखो थोड़ा, सादी प्रॉब्लम है, सादी प्रॉब्लम होगी और टॉयलेट चल जाती, हाँ खाना खा के टॉयलेट चल जाती, खाना खा के टॉयलेट चले जाती थी, हाँ जी पचता नहीं कुछ भी नहीं, अच्छा पचता नहीं, जब भी खाना देते तुरंत टॉयलेट चली जाती, और एक सांस की प्रॉब्लम थी, तो ये इन्होंने लिखवाया कि खांसी भी थी, हाँ जी बहुत ज्यादा खांसी, कितनी करती थी, बहुत ज्यादा, कितने बजे शुरू हो जाती थी, सारी सारी रात भी कई बार नंग जांदी, सारी सारी रात मतलब नंग जांदी सी, इसके अलावा इसके घुटनों में रात के समय दर्द होती थी, घुटनों में दर्द होती थी, और कुछ, हाँ ये 4 चीजों की प्रॉब्लम थी, इसके लिए आप मेडिसिन ट्रीटमेंट चल रहा था पर कोई भी आराम मिल नहीं रहा था, हाँ मिल नहीं रहा था ना, अब मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मेडिकल साइंस बुरी नहीं है, पर जब उससे भी भला ना हो तो फिर इंसान कहाँ पे जाए, है ना, छोटी बच्ची है अभी 6 साल होगी, 3 साल इस हालात में रही, अब देखो जब गवाही दे रहे थे तो इनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्या आ गए इनकी आंखों में आंसू आ गए ना, क्यों आ रही, क्योंकि उसी वजह के कारण सोच सोच कर अपनी बच्ची को लेकर इनके ऊपर भी हालात आ गए, आपको क्या क्या हो गया था, शुगर आ गई, सारी प्रॉब्लम, आपको भी सांस की प्रॉब्लम होगी, और कुछ वीकनेस होगी, गले में थायराइड भी हो गया, तो इसी तरह से सोचने से, और आपने भी कुछ लिखा और कोई
नहीं जी सब लिखा। हाँ तो समझ रहे हो मेरी बात, बच्चे को लेकर सोच सोच कर शैतान ने इसके जीवन में भी क्या दे दी। इसी तरह से कई बार परिवारों में क्या होता है, जैसे मान लो इनकी बच्ची है, जैसे आपके परिवार में भी अगर कोई एक जन ऐसा है उसके जीवन में तकलीफ है, तो कई बार सोचने सोचने से भी उसके जीवन में भी क्या आ सकती है, शैतान उसको भी अपनी जुक्ति में फंसा सकता है। इसलिए उसने कहा अपने जीवन की सारी चिंता क्या कर दो, डाल दो, पर इन्हें तो कुछ नहीं पता ना परमेश्वर के राज्य का कानून का। तो इनकी तो सासू माँ जो यहाँ पे आती थी, विश्वास से लाई कि अभी 3 हफ्ते की ले हैंड, बोलो क्या है ले हैंड मीटिंग है, 3 हफ्ते की, कितने की लगातार 3 हफ्ते की, 3 वीक्स है ना ले हैंड है। तो इन्हें क्या कहा उन्होंने आपको, आपकी अच्छा फिर आप विश्वास से आगे। नहीं मैं मम्मी ना बहुत लड़ी, हाँ मम्मी ना बहुत लड़ी भी मैं नहीं जाना। अच्छा अपनी मम्मी से अपनी सास मां नाल तुसी लड़े कि मैं नहीं जाना, मैं जिथे जाना उथे जाना, पर वो कहंदे नहीं तुसी आओ एक बार। फिर आप विश्वास से आई, चलो जब आए, हाँ उस सीन को देखते हैं जब ये आई। हाँ ठीक है उस सीन को दिखाओ जब ये आए थे, उस सीन को दिखाओ, उस ले हैंड को हम देखते हैं। यस पिता जिनकी बेटी को 3 साल से बुखार रहता और रोटी पचती नहीं और सांस लेने में प्रॉब्लम है, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा तेरी जीव शक्ति से यस खुदा इसका 3 साल का बुखार जाए, जो रोटी पचती नहीं, द नेम ऑफ जीसस खुदा पाचन क्रिया में जो शैतान ने इसे रुकावट दी है, हर अंधकार की रुकावट उखड़े उखड़े इन द नेम ऑफ जीसस, और इसकी सांस नॉर्मल नॉर्मल हो द नेम ऑफ जीसस। चल शैतान इसके जीवन से भी और इस बच्ची के जीवन से भी उखड़ पूरी तरह से, शट शट चल चल उठाओ 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 चल उखड़ पूरी तरह से उखड़, गंदी आत्मा छोड़ से चल छोड़ 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 चल छोड़ बोल चल छोड़ ओ शैतान ओ चल छट चल छोड़ छोड़ चल छोड़ बोल क्या नाम क्या तेरा, चल छोड़ क्या नाम क्या तेरा, तूने इसकी बच्ची को पकड़ा है, हाँ इसकी बेटी को प्रॉब्लम तूने दी है ना, बोल ओ शैतान हाँ ये प्रॉब्लम तूने दी है, हाँ क्या नाम क्या है तेरा, खेत्रपाल है, कितने समय से तूने इसको और इसकी बेटी को पकड़ा है, हाँ 3 साल से पकड़ा है, चल फिर अकेला है कि और भी है कोई, साथ जाने हो, चलो जितने भी जाने हो साथ जाने हो, हाँ चलो फिर चलो एक साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इसकी बच्ची के जीवन से और इसके जीवन से शैतान तेरे प्रभाव को इसके और इसके बच्ची के जीवन से मैं तोड़ता हूं, सारे एक साथ सातों को सातों को मैं उखाड़ता हूं, चलो खड़ो शट इन द नेम ऑफ जीसस द पावर ऑफ माइटी नेम यीशु शट 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 अगर गंदी आत्मा अगर अगड़ उखड़ 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 चल उखड़ टूट टूट यीशु मसीह के नाम से, चलो सातों की जो पावर है खुदा तेरी जीवन शक्ति से मैं तोड़ता हूं इसके प्रभाव को, चल टूट टूट एक साथ सातों जाने टूटो यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूं, चल उखड़ गंदी आत्मा तू यीशु मसीह के पांव के नीचे उखड़, बस खड़ा करो कुछ नहीं है, बस ये इसका काम तमाम है इन द नेम ऑफ जीसस, यस ये आजाद है खुदा से,
free in the name of Jesus. Free, 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 free. इसके पेट पर हाथ रख लो. यस खुदा ये आजाद है. खुदा तेरी पावर से, खुदा आज से तू उसे आजाद कर चुका. इन द नेम ऑफ जीसस फ्री फ्री. तो सुनो, ये कितने दिन पहले ले हैंड हुई? 2 अप्रैल. 2 अप्रैल. आज कितनी है? आज कितनी डेट है? 12. आज 12 है. 2 अप्रैल को ले हैंड हुई, आज 12 है. अभी इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्ची को? नहीं पापा. खाती पीती सब कुछ है, पचता है? अब टॉयलेट तो नहीं जाना? नहीं. कोई खांसी तो नहीं आ रही? सांस तो नहीं चढ़ती? जब चलती तो सांस चढ़ती थी? अब दौड़ के दिखाया इसको? हाँ, चलो चल के दिखाओ बच्ची को. चलो 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 चलो. नहीं, आप साथ चलो ना, फिर चलेगी थोड़ा. चलो चलो, आप हाथ पकड़ चलो. जल्दी जल्दी लेकर आओ, जैसे बच्चे दौड़ते हैं ना, जल्दी से. हाँ हाँ, जल्दी से जल्दी से, आप साथ में दौड़ो थोड़ा. हाँ, दौड़ो दौड़ो दौड़ो. हाँ, दौड़ो 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 दौड़ो. हाँ दौड़ो. हाँ ठीक है, अब वहाँ पे खड़े हो जाओ. अब माइक दो उन्हें. क्या नाम है बच्चे तेरा? क्या नाम क्या तेरा? क्या नाम क्या बच्चे तेरा? नाम बताओ अपना, क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? शर्मांदी पापा जी. हाँ, शर्मांदी. शर्माती है? नहीं, बोलो कोई बात नहीं, बताओ क्या नाम है. बोले बच्चे बताओ क्या नाम है आपका. हाँ अच्छा, थोड़ा सा कई बच्चे होते हैं ना, ऐसे देख कर थोड़ा घबरा जाते हैं. हाँ, तो आप देख सकते हो उसकी, है ना, ऐसे देख सकते, कोई ऐसे सांस नहीं लग रही कि उसे तकलीफ हो रही है. हाँ, तो अभी परमेश्वर ने इसे क्या कर दिया? अब मेडिसिन देते हो? नहीं पापा. कोई मेडिसिन नहीं? उस दिन से कोई मेडिसिन नहीं दी? देख लो, 3 साल से मेडिसिन दे रहे थे, 3 साल से कुछ नहीं हो रहा. पर जो वचन स्वर्ग से आया, इसके जीवन में भी हुआ और आपके जीवन में भी हो गया. हाँ, आपकी भी शुगर नॉर्मल होगी, जो आपको सांस की तकलीफ थी वो भी चला गया, थायराइड भी चले गया. अब इसको भी फ्री हो, आप भी फ्री हो, दोनों को खुदा ने फ्री कर दिया. तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, अपने हाथों को उठाकर. हालेलुया, बोलते हुए जोर से, जोर से हालेलुया.